जनगणती करना है तो घर में कितने लोग हैं ये पूछना जनगणती होता है, मगर आपके अम्मी कहाँ है, आपके बड़े अम्मी कहाँ है, नानी कहाँ है, उनके नानी कहाँ है, हम नहीं लेकर आ सकते। आप एक रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर बहुत दिन नहीं चलता है। ईवीएम मशीन के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री आप नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको हम लोग ओपन चैलेंज करते हैं कि आप अपनी डिग्री को हमारे सामने रखिए और अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। देश जाग चुका है, देश अब जाग चुका है। ये भारत है, ये किसान का देश है। जब किसान नहीं सोचता कि मैं चावल में खेती करूंगा, ये अनाज किसी के हिंदू के घर में जाएगा, किसी मुस्लिम घर के जाएगा, ये किसान नहीं सोचता है कि आपके ही सरकार में कितने बेटियों को आपने बचाया, कितने बेटियों को आपने बचाया। आपको ये नहीं पता है देश क्या चाहता है, देश को क्या चाहिए। देश भूखा है। सवाल, सबसे अहम सवाल ये है आप लोगों से कि जो सत्याग्रह पे बैठा जा रहा है, जो मुख्तलिफ अंदाज में जो आप लोग एहतजाज कर रहे हैं सी एमएलए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ, एनपीआर के खिलाफ, क्या आप लोग इसके बारे में जानते हैं? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि कुछ मालूम नहीं है, फिर भी आप लोग सड़कों में बैठे हैं जी। एनआरसी के बारे में क्या जानते हैं और सी एमएलए के बारे में क्या जानते हैं? सी एमएलए हमें ये पता चला जब बिल पढ़कर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो माइनॉरिटीज हैं और रेफ्यूजीज को यहाँ पे इंडिया में लेकर आएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। पहले से ही एकता का एक पैगाम देने वाला देश है, हम सबको बुलाते हैं, आने दो सबको, उनको सिटीजनशिप देने दो। और जब बात आ रही एनपीआर की, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये जो है ना पहले 2010 में भी हुआ था। 2010 में क्या हुआ था, 2010 में सिटीजनशिप को नहीं देखा जा रहा था, रेसिडेंसी को देखा जा रहा था। यहाँ के जो क्वेश्चंस है जैसे कि पासपोर्ट पूछते हैं, क्या कितने लोगों के पास पासपोर्ट रहेगा। हाँ, कभी कहते हैं आधार कार्ड नहीं चलेगा, अगर आधार कार्ड नहीं चल रहा है तो यही गवर्नमेंट आधार कार्ड लेकर आई है, पहले तो आधार कार्ड नहीं था। और रही बात वोटर आई डी कार्ड नहीं चलता, अगर वोटर आई डी कार्ड नहीं चलता है तो सरकार सत्ता में क्या कर रही है, पहली बात तो ये मैं पूछूंगी। और रही बात पासपोर्ट पैन कार्ड नहीं चलेगा, अगर पैन कार्ड नहीं चलेगा तो ये लोग टैक्स कैसे ले रहे हैं, पहली बात ये समझाऊं कि कभी भी संविधान के खिलाफ जाना एक बड़ा जुर्म है। संविधान के खिलाफ कोई भी जाएगा हम आवाज़ उठाएंगे। सिर्फ यही बिल हमें तकलीफ नहीं दे रही है, बात देश को अलग अलग टुकड़े करने की बात है, इसको हम कभी होने नहीं देंगे। हजारों साल से हम लोग यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब मिलकर यहाँ पे रह रहे हैं, भले ही देश में गरीबी चल रही हो, जब तक जनता भूखी है ना ये आज़ादी झूठी है, जब तक जनता भूखी है ये आज़ादी झूठी है। हमें आज़ादी नहीं मिली है, हमें आज़ादी के जो लिए लड़ना है हम इंशाल्लाह लड़ेंगे। और रही बात आसाम में क्या हुआ वो हम यहाँ कहीं होने नहीं देंगे। और हरगिज अगर जनगणती करना है तो घर में कितने लोग हैं ये पूछना जनगणती होता है, मगर आपके अम्मी कहाँ है, आपके बड़े अम्मी कहाँ है, नानी कहाँ है, उनके नानी कहाँ है, हम नहीं लेकर आ सकते। और अच्छी बात यह है कि हमारे खबरस्तान जो है आज भी जाकर देखिए, वहाँ पे आपको डीएनए चेक कराइए, आपको मालूमात होगी कि 100 साल की बात नहीं है, हजारों साल की ये आपको इतिहास मिलेगा। जो वो खड़े रहकर बोलते हैं हमारे लाल किला एक सबूत है, ताजमहल हमारा एक सबूत है, आप जहाँ जहाँ जो मॉन्यूमेंट्स है, अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी की बात है कि हमारा देश मॉन्यूमेंट्स के इनकम से भी चलता है। सिर्फ वो लोग कहते हैं, हमारे दिमाग में तो कभी आई नहीं बात कि हम भारतीय नहीं है, हम आदि से अंत तक भारतीय है, हम पैदाइश भारतीय है, हमें कोई भारत से नहीं निकाल सकता। मैं ये पूछती हूँ जब देश चलाने वाले प्राइम मिनिस्टर ऐसे काले बिल जो दिमाग में लेकर लोगों को अलग अलग करने वाले जो षड्यंत्र रचे जाते हैं, क्या उनकी डिग्री है, क्या लोग पढ़े लिखे हैं, बताओ अपनी डिग्री। मैं खुलेआम ये कहती हूँ कि लाओ अपनी डिग्री, हम देखना चाहते हैं आप कितने पढ़े लिखे हैं, हम ये देखना चाहते हैं कहाँ है आपकी डिग्रियाँ। और आप इतने इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट देखते हैं कि बिल पढ़ना नहीं आता, ये बिल के बारे में मालूम नहीं है। मैं बताती हूँ ये बिल क्या, कैसे मालूम करना चाहिए, ये बिल तो ऐसे ये काली बिल है, देश को अलग अलग करने की बात है ये। और रही बात मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको हम लोग ओपन चैलेंज करते हैं कि आप अपनी डिग्री को हमारे सामने रखिए और अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। देश जाग चुका है, देश अब जाग चुका है, हम लोग को सब कुछ पता चल गया है कि देश खतरे में है, और इंशाअल्लाह हम देश को इस काले बिल से आजाद करवाएंगे। और रही बात हमारा इंडिया का इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा है, जीडीपी गिर गई है और औरतों की रक्षा नहीं है, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। और रही बात कह रहे हैं कि पंचर वाला, आपको ये नहीं मालूम है छोटे दुकानदार और पंचर वालों से ही हमारा खजाना बढ़ता है। गवर्नमेंट कैसे चलती है,
छोटे छोटे लोगों से बड़े चीज की एक इकोनॉमिक होती है। छोटे छोटे लोग ही जो देश को आगे लेकर आते हैं। ये भारत है, ये किसान का देश है। जब किसान नहीं सोचता कि मैं चावल मैं खेती करूंगा, ये अनाज किसी के हिंदू के घर में जाएगा, किसी मुस्लिम घर के जाएगा, ये किसान नहीं सोचता है। अगर किसान जब खेती नहीं करेगा, हम खाएंगे क्या? अगर जो भी है तो किसानों पर बात करिए, किसानों जो किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उसके लिए बात करिए। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी बचाएंगे? आपने तो डायरेक्टली स्टेटमेंट दिया है आने वाले दिनों में खतरा करने वाले हैं, इसलिए अपनी बेटियों को बचाओ, यही स्टेटमेंट हो रहा है। ताकि आपके ही सरकार में कितने बेटियों को आपने बचाया, कितने बेटियों को आपने बचाया। रोज रोज एक नया नया कानून, शाम को एक कानून, सुबह को एक कानून। आपको ये नहीं पता है देश क्या चाहता है, देश को क्या चाहिए। देश भूखा है, देश को आजादी चाहिए, देश को एक अच्छा नेता चाहिए। और रही बात, आप एक रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर बहुत दिन नहीं चलता है। ईवीएम मशीन के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री आप नहीं है। और रही बात, जब तक जनता का जो नेता नहीं हो सकता, वो नेता देश का नहीं हो सकता। और संविधान की रक्षा करने वाला ही हमारा पीएम होगा। और संविधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बनाया था, उसी को हम मानते हैं, उसी पे चलते हैं। इंशाअल्लाह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी का ये मुल्क जिसने आज़ादी दिलवाई है, उस आज़ादी को हम वापस लेके रहेंगे।